नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी मोदी और सीजेआई की मुलाकात को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम की, केजरीवाल को मिलने वाली जमानत की और मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव के दिए बड़े बयान की। साथ ही आज की उन सभी मुख्य घटनाओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैरालंपिक एथलीट्स के सितारों से मिले पीएम मोदी, गोल्ड विजेता हरविंदर ने दिया गिफ्ट। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का नाम रोशन किया। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाले हरविंदर सिंह ने पीएम मोदी को अपना एरो गिफ्ट किया। सीताराम येचुरी की बॉडी एम्स को की जाएगी डोनेट, निधन के बाद परिवार का फैसला। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद एम्स में निधन हो गया। निधन के बाद परिवार ने येचुरी की बॉडी को एम्स को डोनेट करने का फैसला किया है। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का इस्तीफा, कोलकाता रेप केस को लेकर ममता सरकार से थे नाराज। कोलकाता में आर्जुकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि कोलकाता रेप केस को लेकर ममता सरकार से वो नाराज थे। आर्जुकर अस्पताल में विरोध मंच के पास मिला लावारिस बैग, बम निरोधक दस्ता पहुंचा। पश्चिम बंगाल के आर्जुकर अस्पताल के विरोध मंच के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई, इसके बाद कई लोग मंच छोड़कर चले गए। गुरुवार को झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी में आई उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर बंद हुए। गुरुवार को सेंसेक्स 1440 अंक बढ़कर 82,962 पर पहुंच गया। निफ्टी 470 अंक की बढ़त के साथ 25,388 पर पहुंचा। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करा देते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चूहा कांड सामने आया। दरअसल यूपी के बदायूं का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला ने चूहे की पूंछ धागे में बांधकर उसे स्ट्रीट डॉग को खिला दिया। अब इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आप भी देखिए ये हैरान कर देने वाला वीडियो। बता दें कि बदायूं में इससे पहले भी चूहे की निर्मम हत्या करने का एक मामला सामने आया था जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक बार फिर वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल्स एक्टिविस्ट विकेंद्र शर्मा ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल खबरें अब तक में हम बात करेंगे अपनी पहली खबर के बारे में। देश में गणेशोत्सव की धूम है, बप्पा के भक्त उनकी आराधना में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक श्रद्धालु विघ्नहर्ता भगवान गणेश की महिमा गा रहे हैं, गणपति को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं। इस बीच शिव भक्त नरेंद्र मोदी की गणेश वंदना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गजानन की भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानो अपने तीसरे कार्यकाल का हर विघ्न दूर करने के लिए बप्पा की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधान सेवक मोदी की तस्वीर इसलिए भी वायरल हो रही है कि वो उसमें मराठी गेटअप में हैं और उनके साथ देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। दरअसल गणेश पूजा की जो तस्वीर सामने आई है वो सीजीआई चंद्रचूड़ के आवास की है, जहां आयोजित गणेश पूजा में मोदी शामिल हुए। मोदी ने इस दौरान देशवासियों की सुख समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं मोदी ने इस आयोजन की तस्वीर
मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुए भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें। जाहिर है पीएम मोदी किसी से मुलाकात करें और सियासत में और खासकर विपक्षियों में खलबली ना मचे, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं सीजेआई और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। खैर चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। अब आपको बता दें कि सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ये फैसला सुनाएगी। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान केजरीवाल की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी, जबकि सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद थे। जाहिर है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को एससी से जमानत मिल गई थी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 अगस्त को बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी थी। ऐसे में अब केजरीवाल को अपनी बारी का इंतजार है। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, खासकर सपा मुखिया अखिलेश यादव। हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में अन्याय की सीमा टूट गई है। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी पढ़ी जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना जानता हो कि यूपी में फेक एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। मंगेश यादव की हत्या हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक दिल वाले और दिमाग वाले विनाश कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं, और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद ही क्या करें। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी दुकान में हुई करोड़ों रुपए की चोरी में मंगेश यादव भी शामिल था, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। वहीं मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मंगेश यादव के मामले में सियासत शुरू होने के बाद विभाग ने जांच के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद एम्स में निधन हो गया। निधन के बाद परिवार ने येचुरी की बॉडी को एआईआईएम्स को डोनेट करने का फैसला किया है। वहीं कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं अटल आवासीय विद्यालयों के द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने लखनऊ के मोहनलालगंज के सिठौली कला स्थित विद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां बच्चों के साथ समय बिताया। वहीं पीएम मोदी ने आज पैरालंपियन से मुलाकात की और बातचीत भी की। वहीं पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल के विरोध मंच के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जहां बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। वहीं निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपीएससी की याचिका पर पूजा खेड़कर को नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गलत प्रस्तुतियां दी हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में विकास हुआ, शांति लौटी, रोज की होने वाली पत्थरबाजी से जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिली, सिनेमा हॉल खुल गए, पर्यटक आने लगे, मुहर्रम के जुलूस निकलने लगे। कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। इसके बावजूद अभी ये देखना है कश्मीर के मतदाता क्या इस विकास को पसंद करते हैं या उन्हें मजहबी कट्टरता ही मंजूर है। दरअसल भाजपा की ओर से हाल ही में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें आतंकवाद के सफाए और हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास तक भाजपा ने कई प्रमुख वादे किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर राशिद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। ऐसे में अब देखिए क्या होता है। अभी तो कश्मीर में फौज है, इसलिए देखना ये भी है कि बिना फौज के भी कश्मीर का रुख यही रहता है या वो फिर पुराने आतंकवाद के रास्ते पर लौटता है। हालांकि हम भारतीय आशावादी हैं, आशा करते हैं कि सब ठीक होगा। कश्मीरी नागरिक और युवा नए कश्मीर, विकसित कश्मीर को स्वीकार कर विकास का रास्ता अपनाएंगे। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।